दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी विश्व कप के बाद से क्रिकेट मैदान से दूरी बनाए हुए हैं। मेगा इवेंट में धोनी की धीमी बल्लेबाजी की काफ़ी आलोचना हुई थी। इसके बाद से ही उनके संन्यास पर चर्चा शुरू हो गई थी, लेकिन माही ने इन सभी चर्चाओं को दरकिनार कर क्रिकेट से दूरी तो बना ली मगर अपने संन्यास पर चुप्पी नहीं तोड़ी। पहले माही ने विश्व कप के बाद 2 महीने की छुट्टी का ऐलान करते हुए खुद को वेस्टइंडीज टूर के लिए अनुपलब्ध करार दिया। इसके बाद उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए भी खुद को अनुपलब्ध करार दिया। खबरों की माने तो माही अब बांग्लादेश के खिलाफ भी टीम से नहीं जुड़ेंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि धोनी से पहले डेब्यू करने वाले कुछ खिलाड़ी आज भी खेल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आपको उन 5 खिलाड़ियों के बारे में बताएंगे जिन्होंने धोनी से पहले डेब्यू किया था और आज भी खेल रहे हैं, लेकिन उनके संन्यास पर कोई चर्चा नहीं होती। पार्थिव पटेल। 34 वर्षीय पार्थिव पटेल ने 2002 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में और 2003 में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में डेब्यू किया था। बाएं हाथ के विकेटकीपर बल्लेबाज पार्थिव पटेल ने टेस्ट में 38 पारियों में 31 की औसत से 934 रन बनाए, वहीं वनडे में 34 पारियों में 23.74 की औसत से 736 रन बनाए। पटेल ने टीम इंडिया के लिए अपना आखिरी टेस्ट मैच 2018 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था। वहीं इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने 2012 में श्रीलंका के खिलाफ अपना आखिरी वनडे मैच खेला था, लेकिन पार्थिव ने अभी तक संन्यास का ऐलान नहीं किया है और कोई उनके संन्यास के बारे में चर्चा भी नहीं करता। हरभजन सिंह। टीम इंडिया के सीनियर स्पिन गेंदबाज हरभजन सिंह भी उन खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हैं जिन्होंने धोनी से पहले टीम के लिए डेब्यू किया और लंबे वक्त से टीम इंडिया से बाहर रहने के बावजूद भी अब तक संन्यास का ऐलान नहीं किया है। हरभजन सिंह ने 1998 में टीम इंडिया के लिए डेब्यू किया था। उन्होंने अपनी स्पिन गेंदबाजी के दम पर टीम को तमाम मैच जितवाए। इस स्पिनर ने टेस्ट में 417, वनडे में 269 और T20 में 25 विकेट लिए हैं। हरभजन सिंह IPL में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ खेलते हैं। हरभजन के संन्यास को लेकर ना कोई दिग्गज चर्चा कर रहा है और ना ही फैन सवाल उठा रहे हैं। दिनेश कार्तिक। भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक को विश्व कप की टीम में शामिल किया गया था, लेकिन उनके निराशाजनक प्रदर्शन के कारण उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया। 2004 में दिनेश कार्तिक ने टीम इंडिया में डेब्यू किया था। पिछले काफ़ी वक्त से कार्तिक टीम के अंदर बाहर होते रहे। इस 34 वर्षीय खिलाड़ी ने अभी तक अपने संन्यास का ऐलान नहीं किया है। मौजूदा वक्त में कार्तिक अपनी घरेलू तमिलनाडु की टीम की कप्तानी कर रहे हैं। इसके बावजूद अब उनका टीम में वापसी करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। अमित मिश्रा। 36 वर्षीय अमित मिश्रा ने 2003 में वनडे में साउथ अफ्रीका के खिलाफ और 2008 में टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेब्यू किया था। अमित ने टीम के लिए टेस्ट में 76 और वनडे में 64 विकेट चटकाए। अमित मिश्रा ने 2016 में टीम इंडिया के लिए आखिरी मैच खेला था। इतना ही नहीं, अमित मिश्रा हमेशा से टीम इंडिया के लिए अंदर बाहर होते रहे हैं। आपको बता दें कि अमित मिश्रा आखिरी टेस्ट मैच में मैन ऑफ द मैच भी रहे। इसके बावजूद कप्तान धोनी ने उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया था। इरफान पठान। टीम इंडिया के लिए ऑलराउंडर खिलाड़ी इरफान पठान ने 2003 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में और 2004 में ऑस्ट्रेलिया के ही खिलाफ वनडे में डेब्यू किया था। पठान ने टीम इंडिया के लिए टेस्ट में 100, वनडे में 173 और T20 में 28 विकेट चटकाए। वहीं बल्ले से भी इरफान ने टेस्ट में 1105 रन और वनडे में 1544 रन बनाए। इसके बाद इरफान को 2012 में टीम से ड्रॉप कर दिया गया, लेकिन आज तक इरफान ने संन्यास का ऐलान नहीं किया है। वे अब कमेंट्री करते हुए नजर आते हैं, साथ ही वे जम्मू कश्मीर के लिए मेंटोर की भूमिका भी निभा रहे हैं। धोनी से पहले डेब्यू कर चुके इरफान के संन्यास को लेकर कोई चर्चा नहीं करता।